अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अदरंदी किचन। आज हम अपने किचन में आपको सिखाएंगे बीफ पसंदे। ये पुरानी दिल्ली की बहुत मशहूर रेसिपी है। तो हमने 1 किलो पसंदे लिए हैं, उसके लिए हमने ये 1 पाव प्याज ली है। इसको हमने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, तवे को गर्म कर लिया है और अब हम इस पर इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और उलट पुलट करते हुए इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, हल्का सा कलर चेंज होगा गोल्डन टाइप, तो हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत प्यारी खुशबू आती है इसके मसालों की, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। ये देखें, ये हो गई है, बाकी की भी हम इसी तरह रोस्ट कर लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, ये भी हो गई, हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी तवे पर हम लहसुन अदरक हमने कट करके रखा हुआ है, 2-2 पीस में हमने लहसुन को किया है और अदरक के स्लाइसेस कर लिए हैं। इन्हें हम अच्छे से प्रेस करते हुए रोस्ट कर लेंगे दोनों साइड से। एक साइड से हो गए, अब हम इन्हें फ्लिप कर देंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना हमें कि ये जल जाएं। ये देखें, ये भी हो गए हैं, बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। गरम मसाले की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन्हें भी हम हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, गरम मसाले को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है वरना इसकी महक ख़त्म हो जाती है और जलने की खुशबू आने लगती है। बस ये हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। 50 ग्राम्स हमने ये सफ़ेद तिल लिए हैं, इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। बस ये हो गए हैं, इन्हें निकाल लेंगे हम। 50 ग्राम्स हमने खशखाश ली है, इसे भी रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करके हम इसे भिगो देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। पीसने में आसानी रहती है और भिगो कर धोने से इसकी सारी डस्ट निकल जाती है। ये हो गई, इसे भी निकाल लेंगे। 50 ग्राम्स हमने ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, यानी नारियल का बुरादा भी इसे कहते हैं, पिसा हुआ नारियल भी कहते हैं। बस इसे भी हम गोल्डन कर लेंगे हल्का सा और बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू आने लगेगी। ये हो गया, इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए कलर, अब ये तमाम मसाले हमने पीस लिए हैं। अभी जो बॉल में पड़ा हुआ है वो हमारा लहसुन अदरक और प्याज है, उस पर हमने 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। इससे ज़्यादा हम और कोई ड्राई स्पाइसेस में ऐड नहीं करेंगे। ये हमारे वो स्पाइसेस हैं, उन्हें हमने ग्राइंड किया हुआ है जो हमने अभी तवे पर रोस्ट किए थे। बहुत अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाना है इसका, जितना फाइन आपका पेस्ट होगा उतना ही अच्छा आपका मसाला रेडी होगा, खुशबूदार होगा, मज़ेदार होगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने पसंदों को आधे घंटे के लिए जो है वॉश करके और 1 लीटर पानी में 4 टेबल स्पून सिरका और 1 टीस्पून नमक ऐड करके मिक्स करके और रख दिया था। इससे गोश्त का जो ब्लड वगैरह वो अच्छे से रिमूव हो जाता है और ये टेंडर भी आसानी से हो जाते हैं। ये देखें, इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ मैं आपको, दिखाना भूल गई थी। इतने पतले होते हैं, बिल्कुल एक पार्चर की तरह, रोटी की तरह पतले, रोटी से थोड़ा मोटे। ये देखें, साइज़ आप पे डिपेंड है कि आप कितना छोटा या बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं। वैसे तो ये लंबे साइज़ में ही होते हैं, थोड़े चौड़े इस तरह से है। अब हम इसमें 1/2 kg दही ऐड कर रहे हैं, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट रख सकते हैं, 2 घंटे के लिए रखें, जितना आपके पास टाइम हो इतनी देर आप इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। बस हमने आधे घंटे रखा था। 1.5 पाव ऑयल गर्म कर रहे हैं हम इसमें, ऑयल इसलिए ज़्यादा ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएँ, क्योंकि हमारे मसाले ज़्यादा हैं। ऑयल गर्म हो गया था, हमने इसमें ये गोश्त वाला मिक्सचर ऐड कर दिया है और इसे इतनी देर घुमाएंगे चलाएंगे कि इसका पानी थोड़ा बहुत रिलीज़ हो जाए। अब बाकी जो हमारी बॉल में थोड़ा सा मसाला बचा है, इसमें हम 1/2 गिलास पानी ऐड करके और इस मसाले को भी इसमें ऐड कर देंगे पानी के साथ। ये देखें, अब हम इसको कवर करके 1 घंटे के लिए गोश्त को टेंडर होने रख देंगे। 1 घंटा हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। अभी देखें कितना पानी इसका रिलीज़ हुआ है, गोश्त दही और मसालों का। गोश्त को चेक कर लेते हैं, अगर गोश्त गल गया होगा तो हम इसकी थोड़ी सी
फ्लेम बढ़ाकर, ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा सा ये टेंडर हो गया है, ये देखें। बस अब हम इसकी थोड़ी फ्लेम बढ़ाकर जो इसे भून लेंगे और पानी इसका ख़त्म कर लेंगे, इतना भूनेंगे कि ये मसाला इसका सेपरेट हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। और हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक ऐड कर देंगे। देखिए अब इसका पानी है, इसको हमने चलाते हुए भूनते हुए पानी को ख़त्म करना है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनते हैं। देखें 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक ऐड कर रहे हैं। बस ये देखें इसका ऑयल सेपरेट होने लगा है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है मसाले भुन जाने की। अब तकरीबन ये रेडी है। अभी हमने अदरक ऐड की है इस वजह से हम इसको 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे और 10 मिनट बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इसका फाइनल लुक क्या है। ये देखें जी इसका फाइनल लुक ज़बरदस्त था, कितना मज़ेदार लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी आज की रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।